आज मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक प्रसन्नता का दिन, जिस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की परिकल्पना हम लोगों ने 2008 में की और इस पर काम शुरू हुआ, कानून बन गया, सब कुछ हो गया, वाइस चांसलर की खोज करते रहे, 9 महीना तक मामला अटका रहा कि किनको बनाए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का जो कंसेप्ट था उसके लिए जिनको इन चीजों में, ज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ शिक्षक होने से नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी ज्ञान में हो, अनुसंधान में हो, तो हम लोग खोजते रहे। अंतोगत्वा पटना साइंस कॉलेज के प्राचार्य जो सेवानिवृत्त हुए थे, गुहा साहब, प्रोफेसर गुहा साहब, शंभुनाथ गुहा जी, उनको हम लोगों ने पहला वाइस चांसलर बनाया। अब इसमें जो विलंब हुआ तो उसके बाद 2010 के 19 मार्च से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का काम प्रारंभ हुआ। अब गुहा साहब तो यहां नहीं है लेकिन उसको मालूम है कि पहला कुछ महीना उन्होंने अपने फ्लैट से काम करना शुरू किया, कोई जगह नहीं थी। और उसके बाद जो एम्स सिन्हा इंस्टीट्यूट है उसमें जगह उपलब्ध कराया गया कि आप यहां से काम करना शुरू किए, और एक साल में यानी 19 मार्च 2010 से यह शुरू हुआ तो 19 मार्च 2011 को एक पहला सालगिरह मनाया गया। और उस सालगिरह के कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था और वहां जो काम प्रारंभ हुआ था ज्ञान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का, तो वहां हमने एक सुझाव दिया कि आप नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी पर कुछ काम करना प्रारंभ कीजिए। और मुझे खुशी है कि उन लोगों ने इस चीज को स्वीकार किया और नैनो साइंस के लिए सेंटर की स्थापना यहां हो गई और अभी हम देखने गए थे, काम भी हो रहा है। बड़ी खुशी हुई इन सब चीजों के बारे में, कैसे प्रारंभ हुआ, क्या क्या कठिनाइयां आई, और सब के बाद जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के लिए जगह का आवंटन किया गया। और फिर जब उदयकांत मिश्रा जी इसके प्रो वीसी बनाए गए, फिर कार्यकारी वाइस चांसलर के रूप में वो काम कर रहे थे, उसी समय इस पूरे कैंपस का, वो तो चूंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर रहे हैं तो इसका एक खाका तैयार किया गया। और आज मुझे खुशी है कि अब उसी के अनुरूप बिल्डिंग बनकर के तैयार है और इसका शिलान्यास इसी परिसर में, इसका काम तेरह अगस्त 2015 को इसका शिलान्यास किया गया। और जब ये एम्स सिन्हा इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ था लेकिन जो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी यहां पर बगल में ही बनकर तैयार है और वो कार्यरत था, तो 2012 में चाणक्य विधि विश्वविद्यालय में ही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के लिए स्थान मिला और वहां से ये काम चल रहा था। और अब मुझे खुशी है कि 13 अगस्त 2015 को इसका शिलान्यास हुआ, उसके लिए भी सभा इसी कैंपस में हुआ था और आज ये भवन का लोकार्पण हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है, इस अवसर पर उपस्थित होने का मौका मिला है, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे खुशी है, प्रसन्नता है। और मैं इसके लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम लोगों को और शिक्षा विभाग को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि भाई ये काम हुआ। लेकिन अब आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हम लोगों ने तो बना दिया,
कई इंस्टीट्यूशंस थे जो उस समय के एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी के साथ उनको जोड़ना संभव नहीं था, मुश्किल था। तो एक बात आई कि हम लोगों को एक यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने से नहीं काम चलेगा, हम लोगों को तो बनाना चाहिए ज्ञान विश्वविद्यालय, नॉलेज यूनिवर्सिटी। और उसका नामकरण किया गया आर्यभट्ट के नाम पर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय।